दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज हम स्टील गेट में डोर क्लोजर लगाने जा रहे हैं, तो इसे देखते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं। काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है लगाने में, तो चलिए आज हम कुछ सीखते हैं। तो सबसे पहले अपने को ये चेक कर लेना है कि हमारा ये लेफ़्ट साइड को गेट खुल रहा है उल्टे हाथ पे को, तो ये चीज़ जो है इस तरफ घूमनी चाहिए। जैसे कि मैं चेक करा देता हूँ, ये घूम रही है, तो इस तरफ ये घूमनी चाहिए, क्योंकि लेफ़्ट राइट होता है। अगर इधर लगता तो ये ऐसे लगाना पड़ता है। तो चलिए पहले इसे हम इंस्टॉल करते हैं। तो इस हिसाब से लेना है लगभग ये पत्ती। हमारी ये जो पत्ती है इस एंगल के ऊपर, और बाकी एक तरीके से इस चीज़ के लेवल में ले लेना है अपने। तो चलिए इसे लगभग यहाँ से 3 इंची हटा के लगाते हैं। पूरा फायर लग चुका है ये, यहाँ से लगभग 3 इंची छोड़कर, और इसका नट कहाँ हो गया, नट लगा लेना इसका। ये एंगल है, इसमें पेच नहीं लगेंगे, इसलिए हमें दो टांके लगाने पड़ेंगे इसमें। तो चेक करते हैं इसे, है ना। तो दोस्तों, बिल्कुल आसान है डोर क्लोज़र लगाना, आपको भी इसी तरीके से लगाना है। बाकी मैंने 2 पेच लगाए थे, अब 4 पेच लगा दिए, और थोड़ी इसकी जब हम फिटिंग करेंगे गेट की, तो इसकी हमें हो सकता है स्पीड कम करनी पड़े। तो आप लोगों को पता ही होगा पीछे ये इसके पेच रहता है, तो इसे घुमाकर हमें स्पीड देखनी है इसकी कैसी आ रही है। ये जो आपको पेच दिखाई दे रहा होगा, तो इस चीज़ को भी देखना है अपने को। तो बिल्कुल आसान है, वेल्डिंग के लिए करिए, इस पे एंगल पे पेच नहीं लग पाते, बड़ी दिक्कत होती है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो पे आपको पेंसिलेटर गेट के मिलते रहेंगे कुछ इस तरीके के। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।